जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः एक बार आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं आप सबकी शिकायतों का निराकरण करने के लिए। आप मुझसे बार बार शिकायत करते हैं कि गुरुजी आप लगन की बात करते हो, आप राशियों के बारे में क्यों नहीं कुछ बोलते। तो आज मैं सबसे पहले राशियों के बारे में ही बोलना पसंद करता हूं। क्या व्यक्तित्व है मेष राशि वालों का, कैसे होते हैं मेष राशि वाले। तो आज जो हमारी चर्चा है उसका मेन फोकस राशियों का, कैसे होता है इनका व्यक्तित्व, कैसी होती है इनकी पर्सनैलिटी, कैसा होता है इनका चाल चरित्र कर्म और क्या होती है इनकी खासियत, उन सब की चर्चा है। एक-एक बारीक से बारीक पॉइंट को आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका फायदा जो आपको होने वाला है वो ये होने वाला है कि गलती से अगर आपको अपना जन्म की समय, जन्म की तारीख या जन्म की राशि पता नहीं है तो अपनी व्यक्तित्व के आधार पर, हमारी इन खासियतों के आधार पर जो मैं आज आपको बताने वाला हूं उसके आधार पर बहुत आसानी से आपको पता चल सकता है कि आप किस राशि के हो। तो आज की इस चर्चा का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है, उसका केंद्र बिंदु है हमारी 12 राशियां और उनका व्यक्तित्व और उनका चरित्र। तो हम इन सब के बारे में चर्चा कर प्रारंभ करने से पहले आप सभी लोगों से कहना चाहेंगे एक और चीज के बारे में। हमें बार बार शिकायत करते हैं कि गुरुजी हमारा राशिफल बता दो, गुरुजी हमारी राशि क्या है। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे जब आपसे कहता हूं कि आप हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के इस आइकन को दबाएंगे, जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है लेकिन बेल का आइकन नहीं दबाया, तो दोबारा से वो हमारे बेल के आइकन को अवश्य दबाएं हमारे चैनल पर जाकर। तो निश्चित रूप से जब जब हमारा या गुरु रुक्मणी का या स्वामी राज ऋषि का रोजाना का राशिफल, जो वो रोजाना राशिफल देते हैं, वो आपको अपने आप उसकी नोटिफिकेशन यानी उसके रिलीज होने की सूचना कि आज इतने बजे रिलीज हुआ है, जैसे ही वो रिलीज होगा आपके पास सूचना आ जाएगी और आप उसे अपनी फुर्सत के अनुसार उसको देख सकते हैं। हमने आज तक आपको 3,000 से अधिक वीडियो विभिन्न धार्मिक विषयों पर आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए हैं और हमारा जो मेन फोकस है आपको अपने ज्ञान के द्वारा आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का है। कोई हम आपको किसी भी प्रकार की पूजा के लिए या पूजा के नाम पर होने वाली लूटपाट के लिए आमंत्रित नहीं करते हैं। हम तो आपसे कहते हैं कि हम जो कंसल्टेशन के लिए बहुत छोटी सी फीस जो आपसे ली हुई है उसका इतना सदुपयोग होता है कि सबसे पहले तो वो कंसल्टेशन की फीस हमारे यहाँ जो है किसी को निजी रूप से नहीं दी जाती। उसका जो उपयोग है पूजा पाठ में, यज्ञ हवन में, प्रसाद वितरण में और विभिन्न जो हमारे द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम हैं, जैसे हमारे द्वारा जो गरीब बच्चियों के लिए कंप्यूटर के कोर्स चलाए जाते हैं और उनके स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है, उसमें भी उनका उपयोग होता है। तो आपके द्वारा जो हमें एक जो बहुत मामूली सी फीस हमें रखी हुई है उसका 1 रुपया भी हम अपने और अपने परिवार के भरण पोषण में खर्च नहीं करते हैं। तो आपको तो इस बात पर गर्व होना चाहिए। इसके अलावा भी आप जो हमसे बार बार शिकायत करते हैं कि गुरु जी फिर आप इस पैसे का उपयोग क्या करते हैं, तो हमने आपको बता रहे हैं हमारा ये मेन उपयोग है। इसके अलावा भी आप जो हमें कंसल्टेशन के नाम पर या हम कंसल्टेशन की बात करने के कारण जो हमें पैसा देते हैं, वो मेन काम तो उसका पूजा में इस्तेमाल होता है, वो आपके लिए हम निश्चित रूप से अगले दिन पूजा करते हैं। अगर आज आपने हमसे ये कंसल्टेशन ली है तो निश्चित रूप से दुनिया इधर की उधर हो जाएगी लेकिन कल हम आपके लिए भगवान से अवश्य पूजा और प्रार्थना करेंगे, ये हम आपको वचन देते हैं। और ऐसा हम उस दिन से करते चले आ रहे हैं जिस दिन से हम इस धर्म की लाइन में प्रवेश किया है। हमें तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि ये आपके द्वारा दिया गया एक एक पैसा यहां पर सदुपयोग होता है, उसका किसी भी रूप में
कोई भी दुरुपयोग नहीं किया जाता। दूसरा, हमारे जो स्वामी राज ऋषि जी हैं, उन्होंने आप सबके लिए अपनी पढ़ाई के बीच में से, जो वो एमटेक कर रहे हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, बहुत रेपुटेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से एमटेक की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने बहुत मुश्किल से आपके लिए रोजाना का एक समय फिक्स किया है, उसमें वो आपके लिए डेली का राशिफल, आज का राशिफल, आपके सितारे रोजाना आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, और साथ में बहुत जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए वीडियो कॉल भी स्वामी राज ऋषि से बुक की जा रही है। आप चाहें स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन नंबरों में से किसी भी नंबर पर संपर्क करके या वेबसाइट के माध्यम से हमसे संपर्क करके अपनी वीडियो कॉल, चाहे वो आप हमसे बात करना चाहते हैं या गुरु मरुकमणि से बात करना चाहते हैं या स्वामी राज ऋषि जी से बात करना चाहते हैं, तो आप अपनी वीडियो कॉल बुक करा सकते हैं। और इसके अलावा आपसे कहना चाहेंगे, हमने पिछले 2 हफ्ते से संडे के दिन जितने भी मोबाइल फोन है उनको उठाना बंद कर दिया है, तो कृपया आप जब भी कॉल करें हमें, सोमवार से लेकर शनिवार तक आप कॉल करिए, सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आपकी कॉल निश्चित रूप से उठाई जाएगी उस पीरियड में। लेकिन अगर आपको कॉल बिजी लग रही हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमने आपको 5 नंबर दिए हुए हैं वीडियो कॉल करने के लिए, इन 5ों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन इतनी कॉल्स आती हैं कि बार बार फोन एंगेज आता है, ऐसी भी आप शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल इस पर हम कोई भी कार्रवाई करने में असमर्थ हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो हमें इनमें से नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज भेज सकता है, तो निश्चित रूप से उसके पास व्हाट्सएप मैसेज को रिप्लाई करने का हमारे द्वारा प्रयास किया जाता है। और जो व्यक्ति पर्सनली मीटिंग करना चाहते हैं संडे के दिन, बाकी किसी दिन करीब भी कर सकते हैं लेकिन स्पेशली संडे के दिन ही टाइम लेकर मीटिंग करना चाहते हैं, तो उनको केवल और केवल हमारा जो लैंडलाइन नंबर है उस पर 11 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में कांटेक्ट करना चाहिए। तो हम चर्चा कर रहे थे राशियों के व्यक्तित्व के बारे में, किस तरह की राशि वाले लोगों का किस तरह का व्यक्तित्व होता है। तो आज की जो हमारी सबसे पहली चर्चा है वह मेष राशि वाले व्यक्तियों का चाल, चरित्र, क्रियाकलाप क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे आप अपने आप को कि आप मेष राशि वाले हैं। इसके पहचानने के लिए आप एक एक बात को हमारे इस वीडियो के दौरान आखिरी तक सुनते रहिए, ताकि आप अपने व्यक्तित्व को पहचान सकें और आप निर्धारित कर सकें कि आपकी राशि क्या है। आप स्वतः ही आप अपनी राशि को निर्धारित कर सकते हैं इस व्यक्तित्व के द्वारा, जो आज हम आपको इन राशि के व्यक्तित्व के बारे में आपको खास बातें बताने जा रहे हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे मेष राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मेष राशि के व्यक्ति साहसी, उद्यमी, क्रियाशील और निडर होते हैं। बहुत ही महत्वाकांक्षी होने के कारण किसी भी संस्था अथवा कंपनी में बेशक छोटे पद से शुरुआत कर अपनी मेहनत के बल पर शीघ्र ही ये ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं। यह लोग अधिकतर देखा गया है किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करते, बल्कि स्वयं ही हर जगह हर क्षेत्र में नंबर 1 बनकर आगे आना चाहते हैं, नंबर 1 बनना चाहते हैं। और अगर वहां जिस कंपनी में या जिस महकमे में या जिस कार्य को वह कर रहे हैं अगर उसमें वह आगे नहीं पढ़ पाते तो उसको छोड़कर, उस कार्य को छोड़कर वह दूसरे कार्य को नए सिरे से आरंभ करके उसमें नंबर 1 बनने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। मेष राशि वाले व्यक्तियों को जितनी जल्दी क्रोध आता है उतनी जल्दी ही उनका क्रोध शांत भी हो जाता है। बहुत लॉजिकल बात करते हैं मेष राशि वाले, लेकिन देखा गया है कि मेष राशि वाले व्यक्ति फैसला लेने में बहुत जल्दीबाजी करते हैं। उन्हें अपनी इस कमजोरी को निश्चित रूप से दूर करना चाहिए। जब भी कोई फैसला करें सोच समझ कर शांत मन से, एक प्लस और माइनस पॉइंट को सोचते हुए किसी महत्वपूर्ण फैसले पर निर्णय लें। जीवन में मेष राशि वाले व्यक्ति बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन खर्चे भी इनके शाही होते हैं, और शाही खर्चों के कारण यह पैसा अधिक समय इनके पास रुकता नहीं है, खर्च हो जाता है। जमीन जायदाद बनाने में बहुत सफल होते हैं,
क्योंकि मेष राशि वाले व्यक्तियों का मुख्य ग्रह मंगल होता है, तो यह मंगल ग्रह से आने के कारण जमीन और जायदाद बनाने का काम बहुत आसानी से कर लेते हैं, यानी इनका मकान, दुकान, फैक्ट्री बहुत आसानी से, क्योंकि मंगल इनको वैसे ही इस कार्य में बहुत सपोर्ट करता है इनका अपना ग्रह होने की वजह से, तो यह जल्दी से यह कार्य पूरा कर लेते हैं। यह लोग सेना में, पुलिस में, वकालत में, इंजीनियरिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। कोई भी स्थान जहां एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो, एडमिनिस्ट्रेशन यानी हुकूमत करने का काम हो, या मशीन में, अग्नि में, मिट्टी में, कास्टिंग में, इन्हें विशेष रूप से सफलता मिलती है। व्यापार करने में और पार्टनरशिप के कामों में भी इनका भाग्य उदय होता है। यह लोग घूमने फिरने के भी शौकीन होते हैं, मेष राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं घूमने फिरने के भी शौकीन होते हैं, और इनको दूर देशों की यात्रा करने के भी बहुत से अवसर प्राप्त होते रहते हैं। यह लोग, मेष राशि वाले यह लोग पहनावे का खास ध्यान रखते हैं कि इनका पहनावा किस प्रकार का हो, ऊपर से नीचे तक शर्ट अथवा पैंट की क्रीज इनकी खराब नहीं होती है, ये उसके ऊपर बहुत ध्यान रखते हैं कि इनकी पैंट की क्रीज या शर्ट की क्रीज या कोट पैंट की क्रीज खराब ना हो। इनको प्रेम संबंध भी जल्दी बनाने में सफलता मिलती है, मगर प्रेम का नशा भी इनको उतनी ही जल्दी उतर भी जाता है। जितना जल्दी ये प्रेम करना शुरू करते हैं उतनी जल्दी इनका प्रेम का संबंध, प्रेम का नशा इनके सिर से उतर भी जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति ये चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन करें, मतलब अपनी प्रेमिका के ऊपर भी ये एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं कि वो इनके कहने के अनुसार ही सब कुछ करें, जो संभव नहीं होता। इस वजह से इनके प्रेम संबंध सफल नहीं होते हैं। अगर इनको अपनी प्रेमिका के ऊपर रत्ती भर भी संदेह हो जाए तो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होने के कारण यह अपनी प्रेमिका को बिना किसी झिझक के तुरंत छोड़ देते और दूसरी प्रेमिका की तलाश प्रारंभ कर देते। अगर शादी होने के पश्चात, शादी करने के पश्चात इनकी पत्नी इनकी हुकूमत स्वीकार कर ले तो इनके जीवन में, दांपत्य जीवन में खुशियां बनी रहती हैं, लेकिन इनकी अगर पत्नी जो है या इनका जीवन साथी जो है अगर इनकी हुकूमत को स्वीकार नहीं करता तो दांपत्य जीवन में खटास आती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी पुलिस थाने की नौबत इनके जीवन में इन केसों में सबसे ज्यादा आती है, और घरेलू जीवन, मानसिक जीवन बहुत तनावपूर्ण हो जाता है, जीवन दुख में व्यतीत होता है। नॉर्मल तौर पर देखा गया कि इनका जो शादी है जल्दी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, संतान सुख भी साधारण रूप से इनको प्राप्त हो जाता है, वहां भी कोई इनको अड़चन नहीं आती है। जो मेष राशि की जो स्त्रियां हैं ज्यादातर देखा गया है कि वो घर गृहस्थी के कामों से ज्यादा नौकरी करना पसंद करती हैं, उन्हें घर में अपना समय खराब करना पसंद नहीं है, घरेलू कार्यों में उनकी रुचि बहुत कम होती है। इन स्त्रियों का जो मन है या मेलजोल है स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होता है, कि ये स्त्रियों से ज्यादा ये पुरुषों को पसंद करती हैं। फ्रेंडशिप, प्रणय संबंध जो होते हैं उसके लिए भी ये खुद से पहल करती हैं। इनकी शादी के बाद अगर इनके पति इन पर विश्वास करते हैं तो ठीक है, नहीं तो घरेलू जीवन बहुत ही तनावपूर्ण हो जाता है इनका। लेकिन अगर देखा जाए तो मेष राशि वाले व्यक्ति स्पष्टवादी भी होते हैं और उदार चित्त वाले भी होते हैं। अगर इनको सहयोग दिया जाए तथा इनकी प्रशंसा की जाए तो ये व्यक्ति बहुत ही लाभदायक सिद्ध होते हैं। नॉर्मल तौर पर देखा जाए मेष राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको बीमारी थोड़ा कम सताती है, ये इनके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इनकी हड्डियां भी मजबूत होती हैं, नॉर्मल ये स्वस्थ रहते हैं, शरीर भी ज्यादातर देखा जाए तो सिंगल होता है इनका शरीर। हाँ, कलहपूर्ण संबंधों के कारण चिड़चिड़ापन, सिरदर्द या चोट लगने की संभावना अवश्य बनी रहती है, थोड़ा सा पेट विकार की समस्या होती है, पेट में प्रॉब्लम्स रहती हैं,
अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके पेट में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पेट संबंधी विकार हो सकते हैं, बीमारियां हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर भी आपका ऊपर नीचे हो सकता है, किडनी में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। मेष राशि वालों के लिए जो अब बात करते हैं उनके शुभ दिन की, तो इनके लिए जो शुभ दिन होता है मंगलवार का दिन इनके लिए सबसे ज्यादा शुभ दिन होता है। इनका जो पसंदीदा रंग है, जो शुभ रंग है, वो लाल रंग होता है। और इनके लिए जो शुभ संख्या है वो 9 नंबर है। इनका जो लकी नंबर है वो 9 है। इनको हनुमान जी की पूजा, मंगल देवता की पूजा अवश्य करते रहना चाहिए, जिससे इनको बल की प्राप्ति होती है। जय शनिदेव।